चलो इधर ही बैठ। मैं बस एक एक इस साइड आ जाओ, और इधर खड़े हो। ठीक चल, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। कैसे हो? कैसे रहो? मैसूर का टूर इधर, मैसूर वाले इधर है ये, मैसूर वाले ये। अच्छा था मैसूर का ट्रिप? ठीक था सर। बीवी भी मिली? हां, तीन चार बीवी मिली। बताओ भाई, सब कुछ बताओ। इनको मिले मैं कैमरा पकड़ता हूँ। बाइक में आ जाओ, आ जाओ यार, आ जाओ भाई। अरे जाओ बताओ ना, हम्पी का बताएगी प्रॉपर। आप भी तो कहते हैं कोई तीन बीवियां मिली, कुछ मिला? कोई बीवी भी नहीं मिली, नया सबूत मिला। जो गाड़ी देखा 41 लाख की? सॉरी, गाड़ी देखा 41 लाख की? 4.25 लाख रुपए जो मैंने कहा, 4,25,000 की गाड़ी जो राखी को मिली है, जो 2008 मॉडल BMW X6 व्हाइट कलर की, जो मैंने हाल ही में भी कहा था, 2008 की जो गाड़ी होती है दिल्ली में, इसको नहीं चलाना जा सकता है। अच्छा, ऑटोमोबाइल जैसा मैं ऑटोमोबाइल्स में जो मैं ज्ञान देना चाहता हूँ लोगों को, 2008 की गाड़ी, 10 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली में नहीं चलती है, उसको 2018 में जो टैक्स में आती है गाड़ी, उसको री रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, उसको फिटनेस नहीं मिलती है, उसको कहते हैं कि उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। तो वो गाड़ी लेके आके हमारे जो कहते हैं कि बचपन का मैं दोस्त हूँ, जिनको मैं नहीं जानता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि वो मेरे कोई बचपन के दोस्त, वो आके राखी को देते हैं तोहफे में, और राखी वो गाड़ी को भी चला के प्रमोट कर रही है कि पुरानी गाड़ियों चला सकते हैं। कोई राखी को कोई ब्रांड न्यू गाड़ी जैसे मैंने दी थी ये तो नहीं देंगे एंड ऑफ द डे। वो तो 2008 जितनी राखी पुरानी है, जैसे मैंने कहा, गाड़ी उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही पुरानी है, लेकिन चलेगा। राखी और कार का बिल्कुल मैच है, वो मॉडल और राखी का जो मॉडल है वो प्रॉपर है। सॉरी, मैं क्यों इतना चिढ़ा हुआ हूँ, बिकॉज जो बोल के वो लेके जाती है कि आओ मैं आदिल की तीन बीवियाँ, यही तो बोल के लेके ना, आदिल की तीन बीवियों को मैं मिला, कहाँ आए तीन बीवियाँ? उधर जाके बोलती है पर्दा लग गया, वो बाहर नहीं आ सकती, तो मेरा नाम लेके फोटोज लेके तो लेके जा रही हो मीडिया को। जैसे मैं कहता हूँ, तुम्हारा घर जब मैं अच्छा था तो मैं पैसे से चला रहा था, आज तुम्हारा घर मेरे नाम से तुम चला रही हो, तुम मैसूर लेके गई हो उन लोगों को, क्या बोल के तुम कर क्या रही हो? बेचारे तो मुझे ये भी लिखे कि 1:30 बजे तुम खाना नहीं दे रही थी उनका। अच्छा बोलना भाई, तू तो गया था 1:30 बजे, खाना नहीं मिल रहा था। जब नहीं बोलेगा ना जिंदगी में न्याय नहीं मिलेगा, ये बात सही है। अच्छा कैमरा पकड़ो, इधर क्या बोल के मैसूर लेके गए आपको? सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये हमारा भाई है राजा भाई, ये मीडिया वाला है, ये राजा भाई है, जो बेचारा मीडिया तकलीफ से थक्के पिक्के, खाना खाया है? खाना नहीं, अभी खाना खाया हो? उधर खाना मिला मैसूर जाके? पहले ही बोला था ना मेरे साथ आना, मैं अच्छे से लेके जाके खिला पिला के लाऊंगा। क्या बोल के इनको लेके गई है राखी? मीडिया को कैसे ठगते, आज आपको मैं देता हूँ, सुनो। क्या बोल के लेके गई मैसूर? बीवियाँ मिली? उस दिन इवेंट में गए थे तुम बैंगलोर में, क्या हुआ? राखी और उनकी लड़ाई चल रही थी मैंने सुना, किसकी? क्लब वाले की, राखी और क्लब वाले। अरेंजमेंट नहीं था, किसी से डरने की जरूरत नहीं, आराम से बोलो, मेरा नंबर सेव करो, कुछ होता है तो मुझे फोन करो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। बीवियाँ नहीं मिली, खाना मिला 1:30 बजे? ठीक है, भूखे थे। दूसरे दिन क्या हुआ? पुलिस स्टेशन जाके नाटक ड्रामा कर रही थी? अच्छा, वो थर्ड डे। सेकंड डे क्या हुआ? पूछो ना, पूछो ना, एक दो सवाल अगर मुझे नहीं पता। बस से मैसूर गए थे? अच्छा, बस से मैसूर गए थे। थक के गए उधर, क्या कवर करने की आदिल की लाइफ स्टाइल उधर जाके? क्या बुलडोजर में क्या एक्टिंग कर रहे थे क्या? बुलडोजर तो ये लोगों ने, तुम लोगों ने ये भी यार मेरे रास्ते लगा दिए मेरी जिंदगी के। आज भी आप लोग आके नहीं बोलोगे तो क्या करेंगे? जो बोल के लेके गए हो मैसूर, आप बीवियां से मिलाओगी, उधर जाके तुम बुलडोजर में हेलीकॉप्टर है क्या जो तुम बुलडोजर में जा रही हो? तुम्हें पता भी हो बुलडोजर क्या काम करता है मैसूर में? हाँ, तोड़ने का। थक गया हूँ यार राखी के झूठ से, मैं राखी की चीजों से उधर जाके। अच्छा एक सेकेंड, कुछ अच्छा दिखाता हूँ, कुछ मैं अच्छा दिखाता हूँ, ठीक है आप लोगों को। चलो
राखी की कितने अच्छे पोस्ट रहते हैं आप लोग मुझे बताइए। ये फोटो थी मेरी करेक्ट जी जी। ये राखी ने डाला है जी करेक्ट पैसे बहुत ये सब छोड़ा है यार इधर देखो ना। मैंने कहा ही नहीं कि इनको मैं नहीं जानता, ये जाकिर भाई है मैं इनको जानता हूँ। मैं दूसरों लोगों को जोकर कहा और मान्य नहीं है, राखी जी को मैंने सबसे पहले जोकर लिखा था। ठीक है चलो आप मुझे एक बताओ ये इसमें लिखा है आदिल इनसे पैसे ले रहा है। चलो अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आदिल पैसे ले रहा है पैसे दे रहा है इसमें, ये मुझे बताओ ये कैसे आप प्रूफ करोगे कि आदिल पैसे ले रहा है या इनको आदिल पैसे दे रहा है। फोटो नंबर वन ये गिन रहे हैं, आदिल उनके हाथ में पैसे दे रहा है। अच्छा इसको भी आप बेवकूफ बना के लिख देते हो कि आदिल उनसे पैसे ले रहा है। आदिल गाड़ियों का बिजनेस करता है, गाड़ी लेके आदिल पैसे नहीं दे सकता क्या? अच्छा राखी को एक सवाल पूछूंगा, ये जो तुम ट्रांजेक्शन जाके मैसूर में कह रही हो ना, इनसे आदिल ने 2.5-2 करोड़ रुपए लिए हैं। आदिल आदिल बड़ा आदमी है ही है यार, बड़ा ही ट्रांजेक्शन है उसका। ये जो तुम नोटों के पैसे डाल रहे हो, तुमने जिंदगी में इकट्ठे इतने पैसे देखे हैं क्या राखी? इतने पैसे तुमने जिंदगी में इकट्ठे देखे हैं? जो तुम क्लेम करते हो आदिल को मैंने 1.5 करोड़ रुपए, तुमने देखे भी हैं पैसे इतने? जाके बोलती हो उनको, उनका है कानून है वो है मैं है हमारा ट्रांजेक्शन, तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम लेके गए हो सिर्फ आदिल और राखी की बात करने के, तुम जाके अब्बास भाई को बिठाती हो, जाकिर भाई को बिठाती हो, शाबाज मेरे बचपन का दोस्त जो कहता है उसको बिठाती हो, तुम जाके गाड़ी ले रही हो, साफ साफ बोलती भीख में मुझे गाड़ी मिल रही है, मैं गाड़ी लेने मैसूर जा रही हूँ। एक बच्चा आता क्या मीडिया का, कैमरामैन नहीं आता तुम्हारे नाम पे, कैमरामैन नहीं आता क्योंकि सब लोग को पता है तुम कितनी बड़ी ठग हो। बोल के लेके गए आदिल की बीवियों से मिलाते, उधर ले आके ड्रामा, बुलडोजर कार, चला कार कार भी क्या, कितने लाख की गाड़ी? 41 लाख की गाड़ी। अब ये जाके मत छाप देना आप लोग की 41 लाख की गाड़ी है, आप जाके आरटीओ के वो गाड़ी का नंबर लो, टाइप करो और जाके देख लो उसकी वैल्यू उधर ही आ जाएगी, 3,20,000 रुपए उसकी वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू। अभी गाड़ी आती आती भी 8 दिन हो जाएंगे, गाड़ी तो आएगी ना, उसको कंटेनर में लाना पड़ेगा गाड़ी, गाड़ी चल के कहां से आएगी, उधर ही नहीं चल रही गाड़ी वो। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मी, जिंदगी मेरी तुमने खराब करी है, मेरी तुम्हारी जिंदगी की बात करूँ या तुम लेके जाके आदिल की बीवियों से मिलाती हूँ, आदिल के आज बोल रही हो, हाल ही में राखी ने कहा था कि आदिल के माँ बाप को मैं मिली हूँ, कल कहती है कि झूठे माँ बाप को आदिल ने मिलाया था, मेरे माँ बाप की फोटो नहीं थी क्या, नहीं देखी थी क्या तुमने? और जाके उधर क्या कर रही है मैसूर में बैठ के क्या कर रही है वो, इसमें जाके पुलिस स्टेशन में जाके क्या डोरी केस कर रही है? अरे बेवकूफ, मेरी तेरी शादी ही नल एंड वॉइड है, तू क्या केस कर रही है मेरे पे डोरी केस? तुमने मेरी माँ बाप की शक्ल भी देखी है जिंदगी में, आमना सामना हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बाप की इतनी अच्छी औकात है ना कि तेरे तुझे चौकट में भी नहीं जमाएंगे, जो तू बोल रही थी ना ताला मार के जाएंगे, तू क्या लगता है तेरा स्वागत करेंगे? बहुत अच्छे अच्छे